राठौर समाज ने अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खरगोन बड़वानी, लोकसभा सांसद सहित नगरपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं अतिथियों के द्वारा बुजुर्गों सहित मेधावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। क्षत्रिय राठौर समाज के द्वारा अन्नकूट महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में समाज के वरिष्ठ और अतिथियों सहित बोर्ड कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अन्य जिलों से भी समाज के लोग और समाज के अध्यक्ष शामिल हुए थे। कार्यक्रम में बड़वानी विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान भी मंचासीन थे। अतिथियों के द्वारा राठौर समाज के इतिहास के महत्व पर प्रकाश डाला। वीर दुर्गादास के इतिहास को लेकर समाज जनों को जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षत्रिय राठौर समाज के लोग मौजूद रहे। इंदौर में बंद हो चुकी मिलों ने अपना स्वर्णिम इतिहास रचा है, लेकिन दुर्भाग्य भी रहा है कि मिलें एक एक कर बंद होती चली गईं और मजदूर आज तक अपने पैसों के लिए भटक रहे हैं। अब राज्य सरकार इन मिलों का सत्यापन कराकर इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है और जल्द ही मिलों की जमीनों और मजदूरों के हक को लेकर कोई सुखद समाचार आ सकता है। को अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मालवा मिल, स्वदेशी मिल और कल्याणी मिल पहुंची। अधिकारियों ने मिलों की जमीन, बाउंड्री वॉल और उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग एनटीसी अधिकारियों से भी इन लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। कांग्रेस ने लगाए शिवराज पे के नाम के QR कोड के पोस्टर। मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के सर पर 41,000 का कर्जा। शिवराज सरकार उधार लेकर पी रही है घी। 400 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने ले रही है। शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को 41,000 रुपए का कर्जदार बना दिया है। प्रदेश सरकार अपने सालाना बजट से ज्यादा उधार ले रही है। हर महीने 400 करोड़ बाजार से उधार ले रही है। अगर सरकार इसी तरह लोन लेती रही तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश के हर व्यक्ति के सर पर 1,00,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा। सरकार 22,000 करोड़ तो सिर्फ ब्याज में दे रही है। प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। करीब इसी वर्ष 6,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। 33,00,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं और केंद्र का पोर्टल बता रहा है कि प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं। 1,00,000 नौकरी देने की घोषणा पर प्रदेश सरकार ने मार्केटिंग पर करोड़ों फूंक दिए, मगर नौकरी एक को भी नहीं मिली। सरकार उधार लेकर घी पी रही है। प्रदेश को उधारी प्रदेश बनाने के विरोध में कांग्रेस ने शहर के प्रमुख चौराहों पर शिवराज के चेहरे वाले QR कोड के पोस्टर लगाए हैं, जिस पर लिखा है हमारा प्रदेश उधारी से चलता है, कृपया हमें उधार दें। राशन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन की टीम ने भागीरथपुरा में कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में चावल की बोरियां बरामद की। अनुमान है कि शासकीय चावल को व्यापारी द्वारा कम दाम में खरीदा जा रहा था, जहां मौके पर बड़ी मात्रा में चावल को जब्त किया गया है। वहीं व्यापारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। क्राइम ब्रांच की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने मिलकर संयुक्त कार्यवाही करते हुए भागीरथपुरा स्थित सतीश अग्रवाल नामक व्यापारी के गोदाम पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान बड़ी मात्रा में शासकीय चावल बरामद किया गया है, जो ऑटो लोडिंग रिक्शा चालक द्वारा बेचा जा रहा था। चावल 13 रुपए किलो में बेचने की जानकारी जिला प्रशासन को मिली है। बड़ी तादाद में चावल की बोरियां बरामद की गई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि कंट्रोल पर मध्यम वर्गीय लोगों को बांटने वाले चावल को ब्लैकमेल कर व्यापारियों को बेचा जा रहा था। फिलहाल इस मामले में पकड़े गए ऑटो चालक से पूछताछ की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सेक्सटॉर्शन के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने वाले 4 आरोपियों को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी 6 महीने से 1,000 से ज्यादा सेक्सटॉर्शन की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जीवनसाथी.com पर महिला के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे और इसका शिकार बनाते थे। राजस्थान से गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले दिनों इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस पूछताछ में बुजुर्ग के मोबाइल में चैट सामने आई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा लगातार बुजुर्गों को न्यूड वीडियो कॉलिंग के बाद फोटो भेजकर ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर बुजुर्ग ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मोबाइल डाटा के आधार पर भरतपुर राजस्थान रईस उर्फ कमली, जिशान उर्फ बिल्ला, यासिफ पिता अहमद, हारून पिता संपत को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है। अब तक आरोपी 1,000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। आरोपी जीवनसाथी.com पर महिला की फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से लोगों से चैट करते थे और उनके न्यूड वीडियो कॉलिंग कर उन्हें बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करते थे। ब्लैकमेलिंग के बाद पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर नंबरों को बंद कर दिया करते थे। सभी आरोपी फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी पर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते और फिर शुरू होता ब्लैकमेलिंग का गोरखधंधा। फिलहाल इंदौर पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ में जुटी हुई है।
कोरोना काल में अपने बेटे की मौत हो जाने के बाद पिता ने बड़े ही शातिर तरीके से बेटे के मृत्यु प्रमाण पत्र और उसको दस्तावेजों में अविवाहित बताकर दस्तावेज आईडी में जमा कर प्लॉट को अपने नाम कर लिया था। जब इसकी जानकारी बहू को लगी तो बहू ने पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने विधवा बहू की शिकायत पर सास ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है। इंदौर के भंवरकुआ पुलिस ने विधवा बहू की शिकायत पर उसी के सास ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपियों द्वारा उनके बेटे की मौत कोरोना काल में हो जाने के बाद बेटे के नाम का प्लॉट अपने नाम करवाने के लिए बेटे के मृत्यु प्रमाण पत्र और उसको अविवाहित बतलाकर दस्तावेज आईडी विभाग में जमा करवा दिए थे और अपने नाम प्लॉट करवा लिया था। जब इसकी जानकारी बहू को लगी इसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने जांच करते हुए बहू के सास ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।